Guntu. Ini apa? Babi itu. Kadir. Kadira. Karachi Antiman, Nazarana Nibilal Kalani, Football Tarimiyal Kaya Khoobsrat, Opening Round Match, Yad Rahe, Ye Kusho Match Nahi Hai, Tournament Kabhi Match Hai, Jho Jita Wa Sikanta Hai, Jho Hara Wa Karpe. Maaf Kalo Bhai, Ye Koi Sirena Maiti Hai, Tournament Kabhi Match Hai, Aur Round Kabhi Match Hai. समय कभी मैच है। माशाल्लाह से आज बंदा दुबई का स्पानी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और उठे रहे हैं केंद्रीय भाई और जगह में हमारे सारा कोर्ट यहाँ से जमा कर आज माशाल्लाह से एक टीम खेलने का दूसरी टीम बैठी है। जी, मेरा जंगल। ओ, मेरा जो कजिन। Kadira. Oh, ma. मुस्तिर आप हमारी पेड़ में बोले थे। हाँ? मुस्तिर आप में बोले मैं आप माइल पर जाइए डालूँ। कजिन खान कार्यक्रम से गुजारिश करूँगा हमारे ग्रुप लीडर इसकीस चलाओ सैन उस्मान शाह सबको हाथ मिलाएं कजिन खान कार्यक्रम का और मैं तशीन फरमान का मैं भाई से गुजारिश करूँगा आप लोगों के नीचे आज हटक भाई आगे नीचे आ गए, खटक भाई, जलाल भाई, आप लोग क्या ले? सुल्तान के युनान के नाम से ना, नकी बोला भाई, इस्लाम इस्पी को हार के नाते में, इस्लाम इस्पी। आज के आने वाले तमाम मेहमानों को हाल बनाते हुए कजिन कजिन सीनियर कालकोन सलाम सोसाइटी ने हमारे आने वाले मेहमानों को हार पहनाते हुए शाइस्ता गुल खान साहब माशाल्लाह जिन्होंने पहले दिन तीन मशीनी हिटाची मशीनी भेजी थी ग्राउंड का काफी काम माशाल्लाह जिन्होंने कराया और उसके बाद अंतिमन नौजवानों ने बिलाल कॉलोनी के जिम्मेदारों ने काफी मालिक टाउन करके इस ग्राउंड को चार चार माशाल्लाह से मैं अश्कर मंदूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जिम्मेदारों की यहाँ पर तशरीफ रखते हैं कि यहाँ पर मौजूद है जनाब शाइस्ता गुल खान साहब के जरिए कहा जितने भी आए हैं मैं इन सबका अश्कर मंदूर हूँ और इसी तरह
तमाम नौजवान फिलहाल कानूनी के जितने भी मशावरती काउंसिल के मेम्बरान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनका भी बेहद कमी अगर महसूस हो रही है तो एक भाई जो के मजबूरी की हालत में अफगानिस्तान चला गया है मोहम्मद खान, अगर वो होता तो इंडियन कितना खुश होता। मेहमान बिकने लगते बिकने लगते तू नुड़ी बोल मोटू सबसे पहले हमारे मेहमानों का ग्रुप कंटू माशाल्लाह से ग्रुप लीडर डिस्ट्रिक्ट की काफी नुमाया नजर आ रहा है और कैमरा मौजूद और मुस्लिम ब्रदर्स के सैतान भाई और जलाल भाई भी जबरदस्त। सबसे पहले बर्मा मामदन के खिलाड़ियों का ग्रुप फोटो आज के मेहमानों के हमरा, उसके बाद बर्मा अफरीदी, उसके बाद रफी हजरात का, उसके बाद में शुरू पहले हाफ तक कॉलोनी में न्याओ न्याओ गोल से बराबर कुरैशी बड़े तो मोटा में होनी बोलता है जरूर शाकिर फुटबॉल आपको बताते चलो इस टूर्नामेंट में कराची की पांचों डिस्ट्रिक्टों से 96 टीम शिरकत कर रही है, सिर्फ 96 ज्यादा नहीं और इंशाल्लाह ताला दिल्ली तो जमे खेले जा रहे हैं और फाइनल लग रही से इंशाल्लाह एक दो दिन पहले फिलहाल मोहम्मद साहब वाइस प्रेसिडेंट बर्मा मामदन तारिक तारिक साहब बिल्कुल सेंटर में यूसी 1-5 के सेक्रेटरी जनरल यूसी 35 के सेक्रेटरी जनरल जनाब शाइस्ता गुल खान साहब
আগাত না মারি मैं अजीत कमेटी के लिए मेरा मोहतरम दोस्त जनाब कदीर खान का करके हवाले कर रहा हूँ। उस आंखों के हाल बयान करे जनाब कदीर खान का कर साहब टीम कैप्टन सोसाइटी में तो हो गया कभी नौजवान ने अंजुमन बिलाल कॉलोनी फुटबॉल टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट को चलाने का मकसद बिलाल कॉलोनी में स्पोर्ट्स को ऊपर लाने का है और माशाल्लाह से इस टूर्नामेंट में एच एम अनीफ ने हमारा भरपूर साथ दिया। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हमारे साथ कॉपरेट किया और सपोर्ट किया। मैं नौजवानों ने अंजुमन बिलाल कॉलोनी के पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने उसे रात को आवाज दिया तो रात को लग देखा, दिन को आवाज दिया तो दिन को लग देखा। नौजवानों ने अंजुमन बिलाल कॉलोनी एक बिल्डर की शक्ल में बिलाल कॉलोनी में काम कर रही है। मैं तमाम शायकीन फुटबॉल और यहाँ बिलाल कॉलोनी में रहने वाले लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उनके साथ हर किस्म का तावन करें, क्योंकि वो लोग आपकी तावन के लिए ये बिल्डर बनाया, आपकी तावन के लिए वो एक हुए हैं, तो आप भी लिहाजा उनके साथ अपना तावन जारी रखें। शुक्रिया अंजुमन नौजवान, शुक्रिया उनके तमाम बड़ों का जो हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं और इस ग्राउंड को चार चांद लगाने वाले शहजादा खान भाई, पीएस 125, यूसी 32 के जनरल सेक्रेटरी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मदद आप जैसे मशीनरी के जरिए हमारे इस ग्राउंड को इस लेवल तक लाया। इस टूर्नामेंट से पहले ये ग्राउंड कचरे का ढेर था, आज माशाल्लाह यहाँ पे हजारों लोग फुटबॉल मैच देख रहे हैं और एक अच्छा फुटबॉल मैच हो रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप लीडर से उस्मान शाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो इस टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट भी हैं और उन्होंने भी हमारे साथ भरपूर तावन किया है। मैं तमाम शायकीन फुटबॉल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फुटबॉल वेल्पर के बड़े हमारे जिसके बर्मा वेटर के हेड भी है और उसके सरपरस्त भी है जनाब सरताज खान सवाती को सोसाइटी यूनियन फुटबॉल ग्राउंड नौजवान अंजुमन बिलाल कॉलोनी में खुशामदीद करता हूँ। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे सीनियर फुटबॉलर जो के उन्होंने हमें फुटबॉल के बारे में बताया और कुछ ग्राउंड दिखाए, आज उनके बदौलत उन्होंने हमें हौसले दिए, आज उनके बदौलत हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। असद खान साबिक गोलकीपर बिलाल ग्रेट फुटबॉल टीम, जाबिर खान और बिलाल ग्रेट के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सलाम, अफसर खान जो के हमारे बिलाल ग्रेट फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं 8 साल, आज वो बकायदा सोसाइटी यूनियन के कोचिस के प्राइजन चांस दे रहे हैं। अपने
जिन सिटीज के ऊपर जनाब अजमल खड़क साहब से वो आए और कुछ इजहार ख्याल पेश करें। तालियों के गूंज में जनाब अजमल खड़क साहब। बिलाल कानूनी नौजवान अंजुमन ने बिलाल कानूनी को जो आज तोहफा दिया है ये तारीख में लिखा जाएगा। ये तोहफा ऐसा है कि इन बच्चों को हर बुराई से हर नशे से ये बचाने वाला तोहफा है। अंजुमन नौजवान सोसाइटी यूनियन टूर्नामेंट के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ कि बिलाल कॉलोनी में इतना बड़ा टूर्नामेंट ये पहली दफा चला है। इसका सेहरा अंजुमन नौजवान बिलाल कॉलोनी सोसाइटी यूनियन को जाता है और खास तौर पर कदीर काकड़ और उसकी टीम को। ये अपनी मदद आपके तहत टूर्नामेंट चलता है और इसके अखराजात मेरे हिसाब से नहीं नहीं तो कम से कम 5-6 लाख रुपया कम से कम होगा। तो ये अपनी मदद आपके टूर्नामेंट चल रहा है। मैं यहाँ जितने भी मेहमान ग्रामीण बैठे हैं मैं अपने समेत अगर 20-30 हज़ार रुपये इस टूर्नामेंट के लिए हम दें तो इंशाल्लाह ये रकम पूरी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी एक सदका जारिया है, ये भी एक सदका जारिया है। स्पोर्ट हर बुराई से बचाती है। अगर किसी किस्म का भी तावन हो सकता है तो मैं जाती तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार जितने भी मेहमान ग्रामीण बैठे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से इनके साथ तावन करें। मुझ समेत मुझसे भी जितना हो सकेगा मैं इंशाल्लाह करूंगा, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। तो मैं एक जगह फिर जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हैं हमारे मेरे पास वो अल्फाज भी जो इन्होंने इतना कीमती वक्त निकाले और ऐसा जब टूर्नामेंट यहाँ चलेगा तो मुझे ये उम्मीद है कि ये ग्राउंड ग्रासी होगा, सबसेदार होगा यहाँ की जो इंतजाम है। मैं देख रहा हूँ कितना जुनून है इनमें, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और मेरे डिस्ट्रिक्ट ग्रुप के लीडर सैयद उस्मान शाह, जलाल भाई, अनिल भाई, कदीर काकर जितने भी है मैं सबको यहाँ मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। लेकिन मैं जाती तौर पर फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जाती तौर पर इस टूर्नामेंट से जितना भी आप लोग का ताउन हो सकते करें, वही समय मैं भी करूंगा आप भी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। ये हमारे मुस्लिम स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट जनाब अजमल खड़क साहब। अब मैं इजहार खान के लिए दावत दूंगा पीएस 125 के सेक्रेटरी जनरल जनाब रहीम कॉमरेड साहब काइंडली वो तशरीफ लाएं और कुछ गिरफ्तारी से कुछ अल्फाज हमारे लिए कहें। तालियों के गूंज में जनाब रहीम कॉमरेड साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए हमारे मेहमान खास और मेरे पीएसए 125 के सदर मोहतर जनाब मोहसरा अब्दी साहब, 125 के जनरल सेक्रेटरी चाहताबुल साहब और उनकी टीम। यकीन मानो आज इतनी खुशी हो रही है इस ग्राउंड को देख के और नौजवानों के जज्बे जुनून जोश को देखकर मुझे आज ये कमी महसूस हो रही है कि आज हम सईद नासिर हुसैन साहब को जरूर बुला लेते और इंशाल्लाह ताला आपसे इलाके के लोगों से और इस नौजवान बिलाल कॉलोनी के खिलाड़ियों से हम वादा करते हैं जैसे इस ग्राउंड को बनाया है और दोस्त ने भी कहा था इधर से गुजर नहीं होता था इंशाल्लाह ताला ये आपकी डिमांड हमने सदर साहब को भी कह दी है और अनकरीब आपके ग्राउंड में वजीर पंजाब साहब के हम भी विजिट करा देंगे और इस ग्राउंड को बना लेंगे और मजीद खूबसूरत बना लेंगे
क्योंकि खूबसूरत लोग खड़े हैं, खूबसूरत खिलाड़ी खड़े हैं और आने वाला मुस्तकबिल आप लोगों का है। और इंशाल्लाह ताला और मेरा अगर आवाज जहाँ जहाँ जा रहा है तो अहले महला से भी गुजार दे तो कचरा कम से कम इधर ना फेंके, कचरा ना फेंके। और हम आपसे और खटक साहब आपसे भी ये वादा कर रहे हैं जितना हो सका हम इन दोस्तों की, इन नौजवानों की, इन खिलाड़ियों की माली मदद भी करेंगे और इस ग्राउंड को कराची के बेहतरीन ग्राउंडों में से एक ग्राउंड बना देंगे। शुक्रिया, मेहरबानी। जनाब रहीम कामरेड साहब काइंडली में एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास लाइटों की बिल्कुल वो नहीं है, अगर हो सके तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप अपने वजीर बल्दिया साहब जनाब नसीरुद्दीन नाजिमुद्दीन शाह साहब से बोल के अगर ग्राउंड में लाइटें जल्द से जल्द लग जाए तो मैं बहुत मशहूर मकबूल होगा। आप अपने जुबान से खुद दो तीन अल्फाज दोबारा कह दें लाइटों के हवाले से, प्लीज दोबारा आ जाए। अब मैं जहमत दे रहा हूँ जनाब कौशल अब्दुल साहब क्योंकि सी एस वन टू फाइव के प्रेसिडेंट भी है, तालियों के जोश में जनाब कौशल अब्दुल साहब। थोड़ा मारे भी लेट की पारो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं यहाँ के नौजवान और यहाँ का जो ग्राउंड सजाया गया है, मैं तमाम स्टेज पर बैठे हुए हमारे साथी खास तौर से रहीम कामरेड की जन्मशक्ति है हमारा और यहाँ के जो जन्मशक्ति है तो साहिता गुरु साहब हैं, हो सकता है कि इनको यहाँ दूसरी का हो सकता है टिकट इनको मिल जाए तो आप लोग इनसे ताबून के लिए। एक बात यह है मैं आपसे बिल्कुल पक्का वादा करता हूँ यहाँ चारों तीन और तीन छः चार और चार आठ वो भी लगाऊंगा, बड़ी लाइटें लगा के दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। इन खिलाड़ियों को देखकर मेरा जज्बा बढ़ा हुआ। दूसरी बात यह है एक वादा और करते हैं कि अगर कहीं इनकी टीम कहीं बाहर जा रही है, कहीं घूमने जा रही है, कहीं मैच खेलने जा रही है, उसका फंड हम दिलाएंगे। हम इंशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे सीनियर लोग भी यहाँ बैठे हैं, दारान साहब भी हैं, हमारे अशरफ साहब भी हैं, ये हमारा गिरोबान पकड़े और खास तौर से साहिता गुल हमारा रहीम हमारा गिरोबान पकड़े, हमारा गिरोबान पकड़े अगर ये काम मैं ना करा दूँ, क्योंकि ये काम मेरा है और मैं खिलाड़ियों में एक नंबर पे भी मैंने यही किया है, यहाँ भी यही करके दूंगा। इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूँगा, मगर वही बात है कि इस ग्राउंड को साफ सुथरा रखना, इसमें कचरा नहीं फेंकने देना, इसमें कुछ हो नहीं, मैं पूरी तरह इसमें अनखरीद पोल लगवा के मैं जगह एक महीना मुझे देंगे, एक महीने के बाद जो है यहाँ पोल पहले लग जाएंगे उसके और बड़ी लाइटें लगेंगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये थे हमारे यूसी 25 के प्रेसिडेंट कौशल अब्दुल साहब जो माशाल्लाह हमारे सोसाइटी यूनियन फुटबॉल ग्राउंड और टीम के लिए इनामात की बरसात का ऐलान कर रहे थे। मैं बेहद मशहूर मामलों में पाकिस्तान की मजबानी के तमाम जिम्मेदारान का जो यहाँ पर आज तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह जिन्होंने ताउन भी किया है और मजीद आगे भी ताउन जारी रखने का यकीन दहानी भी करा दिया है और अनकरीब इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अनकरीब जैसे कि अभी हमारे कौशल आपके सामने कहा गया करीब इंशाल्लाह चारों तरफ लाइटें लग जाएंगी और हमारी पूरी कोशिश होगी इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है नाइट में हो इंशाल्लाह। क्या कहने को है रहीम भाई कौशल भाई इंशाल्लाह फाइनल नाइट में इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट का फाइनल नाइट में होगा इंशाल्लाह। अब मैं नौजवानों ने बिलाल कॉलोनी के सीनियर कारकुन
इमरान खान से गुजारिश करूंगा प्लीज वो आए और चैनल से स्पीच मेक करें। जनाब इमरान खान साहब तालियों से पूछिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का शुक्रिया। खासतौर पर सोसाइटी यूनियन फुटबॉल क्लब का जिन्होंने टूर्नामेंट कराया और हमारे अंजुमन के नौजवानों ने इसमें बड़ा कॉपरेट किया है इनके साथ, और खासतौर पर पीपल्स पार्टी के यहाँ अहदेदार बैठे हैं और शाइस्ता गुल भाई इलाके के हवाले से हमेशा काम करते रहते हैं। इनका नाम डका चुका नहीं है, तमाम दोस्तों को मालूम है शाइस्ता गुल भाई की मेहनत और वर्क। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी इज्जत दी, और ख़ासतौर पर तमाम मेहमान खसूसी का जो यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं। और हम तमाम दोस्तों को चाहिए कि इसी तरह इवेंट कराने चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके में चर्सी पोल्ट्री मंशियात और स्मगलिंग ये आम है। इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो हमारे बच्चे मुस्तकबिल में तालीम के शोबों में स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे और बिलाल का नाम मशहूर करेंगे। मैं अपने अंजुमन नौजवान की जानिब से यहाँ एक ऐलान करना चाहता हूँ सोसाइटी ममडन को सोसाइटी यूनियन के और उनकी इंतजामिया के लिए 50,000 का ऐलान है अंजुमन नौजवान की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान खान साहब, इन्होंने अंजुमन नौजवान बिला कानून की तरफ से 50,000 रुपये का ऐलान कर दिया है। माशाल्लाह शुरू से ये तआवुन करते हुए आ रहे हैं। कसम खुदा की कदम कदम में मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अंजुमन नौजवान बिलाल कॉलोनी के जिम्मेदारों ने सोसाइटी यूनियन का साथ दिया है, और मुझे उम्मीद है कभी है कि आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह ये तआवुन का सिलसिला जारी रखेगा। खेल का दूसरा हाफ जारी, पेनल्टी में ये गोल से बराबर है। खूबसूरत मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं नेशनल रेफरी अदनान खान और उनके मामले में है मली अहमद एंड कुटु। तो गुड्डू का है गुड्डू हो लग गया देखो गुड्डू तो लास्ट में गरम हो रहा है गुड्डू वाला मार दिया। अबे मैं एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आए हुए तमाम मेहमानों के नामी का, जिनमें शाइस्ता खान गुल साहब, यूसी 32 के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शाइस्ता गुल साहब, जनरल सेक्रेटरी यूसी 125 रहीम कामरेड साहब, प्रेसिडेंट यूसी 125 पीएस कौशल आपी साहब, जमीन पनोसी साहब प्रेसिडेंट वार्ड 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अमन खान आलम साहब और हाजी अशरफ साहब का एक बेहद मुश्किल ममनून हूँ। आप लोगों ने अपने तमाम अरसलान भाई इसी तरह अंजुमन नौजवानों ने बिलाल कॉलोनी कभी तमाम जिम्मेदारों के बेहद मुश्किल ममनून हूँ, जिनमें बाजा खान, जाहिर खान, फजल खान, नईम खान, करीम खान, मुजाहिद खान, असलम खान और खिदमत खल्क फाउंडेशन के ताहिर खान साहब। मैं आपका भी बेहद मुश्किल ममनून हूँ। साथ साथ नादिर भाई जो कि डिफेंस वाले हैं, डिफेंस वाले नादिर भाई आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। खेल का दोनों हाथ जारी, दोनों टीमें यही गोल से बराबर। पहला गोल बर्मा अफरीदी की जानिब से। Dagakor
मारी गला जी बोड़े तारे अरे यार बोल मुझे जी कर कदीरान कदी तमाम जिम्मेदारान ग्राउंड कमेटी और खिलाड़ी चारों तरफ फैल जाए। ताजुद्दीन अयाज इसाक चारों तरफ फैल जाए। इमरान मदनी अमानुल्लाह रहमत चारों तरफ फैल जाए। जहीर चारों तरफ फैल जाए। नेमत खान रहमत बालू अतौल्ला चारों तरफ फैल जाए। भैया बिल्कुल इस चीज के सामने जड़ जाए। अयाज इमरान मदनी अगर ये मैच होते रहा तो बगल ये पेनल्टी किक क्षेत्र में किया जाएगा। कोई भी तमाशा ग्राउंड में ना आए। अब मैं कमेटी में अब मैं दावत देता हूँ खाना खान मोहम्मद खाना कई को वो भी कुछ स्पीच करें। तालिए के कुछ भी जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम हमारे इलाके का प्रोग्राम है और इंशाल्लाह इसमें हम सब बराबर के शरीक है। तो बिलाल ब्रेन फुटबॉल क्लब के जितने भी हमारे सीनियर लड़के हैं उन्होंने अपने तरफ से 20,000 रुपए कैश का ऐलान किया जो मैं इनके हवाले कर रहा हूँ। बिलाल ब्रेन की तरफ से 20,000 रुपए कैश का ऐलान है। मैं बहुत बहुत मशकूर ममनून असद असद साले सलाम खाना गई जाबिर जो एक रोज पर आप लोग तशरीफ लाए और अपनी तरफ से 20,000 रुपए का खेल का दौर आप जारी। मैं ताजुद्दीन तकीबुल्लाह से गुजारिश करूंगा आप लोग चारों तरफ फैल जाए। अगर ये मैच बराबर रहा तो बस ये पेनल्टी किक फैसला होगा। कोई भी भाई ग्राउंड में आने की हिम्मत ना करे और वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा किसी को अंदर आने ना दे। अयाज आप लोग फैल जाए यहाँ बैठे नहीं है प्लीज। इमरान मदनी आप अपनी जगह पे चले जाए। खतरा हो सकता है क्लियर करने में कामयाब फैसला सही नूर मोहम्मद रेफरी चेंजिंग है। अदनान भाई चेंजिंग तलहा बारा है उनकी जगह का है आरिफ सिद्दीक। काफी कबड्डी के साथ काम कर रहे हैं साथ साथ इसहाक अताउल्ला और जमशेद ये तीनों
भाइयों का भी काफी रोध है। 3 बजे आते हैं और पाशा का टीली टोना लगा रहे हैं और एक गीदर कॉलोनी से आता है सीनियर खिलाड़ी सोसाइटी यूनियन अयास। इस खिलाड़ी का भी माशाल्लाह पब्लिक के हवाले से अहम रोल है। अयास, जमशेद, इसहाक, अताउल्ला, रहमत और नेमतुल्ला, ये 5 बंदे काफी मदद कर रहे हैं। गोल मारी है वो तो साइड वाला गोल मारी है वो तो मुझे गोल तक
Soy más dilito. Ni soto, ni soto, ni soto. Nama manusia lebih besar.
I'm going to go to the house. बर्मा मामदन के ऑफिशियल से गुजारिश है ग्राउंड से बाहर चले जाएं, जो फैसला करना है रेफरी और कमेटी खुद करेगी। भाई आप लोग बाहर चले जाएं, कबीर खान लगा हुआ है मेरे ख्याल में, पेनल्टी लगा रहे हैं बर्मा अफरीदी। याकूब अच्छा लगा दे, चले चले बाहर आ जाए। भाई हमने बाहर आ जाए, प्लीज बाहर आ जाए, सोसाइटी यूनियन की मीटिंग से बता रहा हूँ, बाहर आ जाए। अब इनकी बोलिए, सबको सलवार कमीज वाले सारे भाई को बाहर आ जाए।
सारे शलवार कमीज वाले बाहर आ जाए प्लीज, खिलाड़ियों को और रेफरी को छोड़ दें ग्राउंड में। कदीर खान चलो चलो प्लेटी लगाओ यार। अदनान भाई थोड़े टीमों को कैप्टन को बुलाओ। भाई जान सलमान कमीज वाले सारे बाहर आ जाए भाई। कदीर खान कर कैप्टन बर्मा अफरीदी मैच रिप्ले बर्मा मामडन का मैच बर्मा अफरीदी का एक एक गोल से बराबर रहा और उसके बाद मैच जो है रिप्ले हो गया। इंशाल्लाह मैच नेक्स्ट टाइम किसी भी इंडियन जा सकता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। बर्मा